सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फैंसी हेल्प को यूट्यूब चैनल में। आज भाई मेरे आपको एक ऐसे लड़के से मिलाने वाला हूं जो कि बहुत ही कम एज के हैं और इन्होंने ड्रीम इलेवन में काफ़ी बार रैंक वन लाई हुई है। जी हाँ, आपने सही सुना, ड्रीम इलेवन में इन्होंने कई बार रैंक वन लाई है, ग्रैंड लीग इन्होंने जीते हुए हैं, कई सारे मैचेस इन्होंने विन किए हैं। इनका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको वन बाई वन बताएंगे। साथ ही साथ इनकी जो विनिंग ट्रिक है उसका प्रूफ भी दिखाएंगे और आपको इनसे सीक्रेट भी बतवाएंगे कि आखिर कैसे इन्होंने सीक्रेट्स बना के ड्रीम इलेवन में काफ़ी बार पैसे अर्न किए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाने वाला हूँ प्रयागराज के पंकज जी से। सबसे पहले पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को लीजिए ताकि उनको भी आपसे परिचय हो जाए। जी जी जी, पहले तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने चैनल में बुलाया। दोस्तों, मैं सबसे पहले बता देता हूं, मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो भाई, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं और मेरा नाम पंकज है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ड्रीम इलेवन मैंने जो है 2017 में इसको शुरू किया था भाई। 2017 में मैंने इसको डाउनलोड किया था। वो कैसे किया था कि देखिए, शुरू पर जो है इसके काफ़ी ज़्यादा मतलब एड्स वगैरह टीवी पर आ रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा क्या था कि मुझे मतलब हाई स्कूल का मेरा एग्ज़ाम भी था और मुझे मैच के बारे में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था। तो हुआ क्या कि यही मतलब एड्स वगैरह आ रहे थे, जब भी मैच शुरू होता था तो वहाँ पर एड्स आते थे ड्रीम इलेवन के। तो मैंने देखा, समझा, फिर उसके बाद मैंने इसके बारे में सर्च किया। सर्च करने के बाद सिंपली मुझे कुछ नहीं, मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। अब मेरे पास ना तो फोन पे था, ना मेरे पास कोई सुविधा थी जो कि मैं पैसे इसमें ऐड कर सकूँ, क्योंकि उस टाइम पे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता था, ठीक है ना। तो अब उतनी ज़्यादा सुविधा ना होने के कारण, तो वहाँ पर क्या हुआ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा समझा, फिर उसके बाद जा करके मैं ATM कार्ड जो है बनवाया अपना। जैसे मेरा जब ATM कार्ड बना, तब जा करके मैंने वहाँ पर पैसे यहाँ पर से ऐड किए। ऐड करने के बाद सिंपली मैंने यहाँ से 2000 रुपये ऐड किए थे, मेरे 2000 का 2000 पूरा का पूरा लॉस हो गया, एक भी रुपए नहीं जीता भाई। मतलब 2000 रुपए वही मतलब कटते बढ़ते करते बढ़ते मतलब एक महीने के अंदर सारा मेरा लॉस हो गया 2000 रुपए। फिर उसके बाद हुआ क्या, मैंने और समझा और काफ़ी ज़्यादा समझा, YouTube पर भी जानकारी लिया, बाकी उतनी अच्छी जानकारी मुझे मिली नहीं। मैंने जब अपने दिमाग सोचा, तब मुझे लगा कि भाई इस पर ऐसे बिन किया नहीं जा सकता है, क्योंकि मुझे वहाँ पर लालच दिखाई जाती भाई सबसे पहले कि आपको इतना ज़्यादा मतलब अमाउंट मिलेगा, 30 लाख 25 लाख 1 करोड़ रुपीस। तो मैं उस लालच में पढ़ के 2000 रुपये लॉस कर चुका था, तो मुझे अब उस फील्ड पर नहीं जाना था, मुझे अलग कुछ चुनना था, जो कि इसी में ड्रीम इलेवन के अंदर मुझे अलग चुनना था। तो मैंने क्या किया भाई, जो भी मैचेस मतलब कि छोटे होते थे, मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि जैसे मान लीजिए इंडिया का मैच है पाकिस्तान से, तो अगर हम इस मैच पर अपनी टीम बनाएंगे तो हम जितना हमको नॉलेज होगा उतना आपको भी नॉलेज होगा, क्योंकि अगर आप इंडिया के हैं भाई, देखिए पहली बात, अगर आप इंडिया के बिगिनर्स हैं या फिर जो है आप लोग अगर ड्रीम इलेवन पर काफ़ी दिनों से खेल रहे हैं, आप एक एक्सपर्ट हैं, तब भी आपको एक चीज़ पता होगा भाई, ड्रीम इलेवन के अंदर अगर इंडिया का मैचेस है और कोई अदर कंट्री जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रचलित है, अगर उन दोनों का मैच है, तो जितना नॉलेज मुझे होगी उतना नॉलेज आपको कहीं कम नहीं होगी, ज़्यादा ही हो सकती है, क्योंकि सब प्लेयर्स के बारे में आपको पता है, मुझे भी पता है। तो मैं इन मैचों को अबाउट करता था, मतलब कि इनको मैं छोड़ देता था, अबाउट कर देता था, जी हाँ। और मैं वैसे मैचेस को कवर करता था जिसके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता है, मतलब कि ऐसी टीम को मैंने देखता था भाई, नेपाल का मैचेस हो रहे हैं, हांगकांग के मैचेस हैं, मतलब खुद भी मुझे नहीं पता है, अननोन मैचेस, जी हाँ, मतलब खुद मुझे पता नहीं उस मैच के बारे में। मैंने उस टीम मतलब कि उसके बारे में सर्च किया, वहाँ से जानकारी ली, फिर उसके बाद उसकी टीम बनाई और मुझे मतलब कंटिन्यू में 6 महीने खेला, फिर उसके बाद मुझे स्मॉल लीग पर 50,000 रुपये की विनिंग हुई थी। अच्छा, पहली बार। तो मेरी 6 महीने लगातार, मैंने कोई ऐसा नहीं है कि भाई पहले ही महीने मैंने विन कर, नहीं, 6 महीने मतलब मैं खेला फिर से दोबारा, तब जाकर के मेरी 50,000 रुपये की विनिंग हुई, जिसमें से कम 10 से 15,000 रुपये लॉस भी कर चुका था, ठीक है ना। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो मेरी ज्यादा विनिंग नहीं हुई, 30-40 हज़ार विनिंग हुई, इतना मैं लॉस भी कर चुका था। बाकी एक चीज तो मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, जब मैंने 50,000 रुपये विन किए, तो आप लोग समझ सकते हैं भाई, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास इतना मेरा बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था, मैंने ये मतलब कि कह लिया था कि भाई ड्रीम इलेवन के अंदर विन किया जा सकता है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पहली विनिंग थी वो, कहीं जी, क्योंकि काफी लोग, काफी मेरे साथ के जितने भी थे ना, वो घर में भी कहते थे भाई मेरे कि ये क्या कर रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, ये वो सारा कुछ ऐसे मतलब बता रहे हैं, जी हाँ। और हाई स्कूल का एग्जाम भी था मेरा, जो कि मैंने मतलब कि अच्छा नहीं कहा जा सकता है, 58% आए थे उस टाइम पे मेरे, जो कि मैं काफी अच्छा मतलब एक पढ़ने में था, लेकिन मैं ड्रीम इलेवन पे काफी ज्यादा फोकस करने लगा था जब मैंने यहाँ पर से 50,000 रुपये विन किए तब, इस कारण से। बाकी दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी अगर कोई नॉलेज है, आप अगर बिगिनर से ड्रीम इलेवन के अंदर, तो आपको भी यही स्ट्रेटेजी को अपनाना होगा, यही मीनिंग है कि सीक्रेट ट्रिक है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन मैचों को कवर करना होगा, उन मैचों को नॉलेज में रखना होगा जिस मैच के बारे में आपको भी कम पता है और आपको भी कम पता है। सही बात जी, अगर देखिए भाई, फैक्ट है,
अगर आप सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप जो है उस नौकरी की तैयारी करेंगे जिस नौकरी पर काफी ज्यादा कंपटीशन है तो आपको कहीं ना कहीं जो है आप उसमें फंस सकते हैं, जाहिर सी बात है ना, ये चीज होता है। अगर आप लोग कुछ थोड़ा सा अलग करेंगे, अलग के मतलब ये है कि कोई नौकरी है जिसमें आप लोग अलग में जाएंगे, थोड़ा सा कॉम्पिटिशन लो रहेगा, तो वहाँ पर आपके मतलब निकलने के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो मैंने यही कुछ समझा, यही कुछ देखा, तब जाकर मैंने ड्रीम इलेवन को ओपन किया और वहाँ से मैंने इस स्ट्रेटजी को अपनाया और लगातार यहाँ पर से विन भी कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है और दोस्तों यही मेरा मतलब कि मेन कारण यही है कि यहाँ से ही मैं विन करता हूँ दोस्तों। तो पंकज भाई बहुत अच्छा आपने जानकारी दी, लेकिन मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जैसे कि कोई लोग बिगिनर्स हैं जो अभी अभी ड्रीम इलेवन डाउनलोड किए हैं हाल ही फिलहाल में, और जाहिर सी बात है अधिकतर लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो एक लो बजट में क्या ड्रीम इलेवन खेला जा सकता है, और अगर खेला जा सकता है तो वो कैसे खेला जा सकता है, उसकी क्या टिप्स आप बताना चाहेंगे? जी ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा है। देखिए ज़्यादातर लोग केवल इसी में फंसते हैं भाई, आपको भी पता है भाई, मतलब ज़्यादातर लोग इसी में फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट प्लान पता नहीं होता है कैसे हमको इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए ड्रीम इलेवन एक ऐसा सच है, एक ऐसी जानकारी है जहाँ पर आप लोगों को जो है एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर के चलना है। अगर आप लो फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका लो बजट है, मतलब 1000 रुपये का बजट है, सपोज दैट ज़्यादातर मतलब 70-80% लोगों का 1000 रुपये मतलब लगा सकते हैं, ठीक है। आपका अगर 1000 रुपये का बजट है तो आप कुछ नहीं करना भाई, आप 100-100 रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर के चल सकते हो लगातार पिछले 10 मैचों का, कि अगर मैं शुरू के 2-3 मैचेस हार जाऊं तो मेरे पास कम से कम अभी 6-7 मैचेस के लिए मेरे पास पैसे बचे रहे, सही बात है। तो मैं उन पैसों से मैं उसको रिकवर कर सकता हूं। ये होता है इन्वेस्टमेंट प्लान कि आपको अपने जो पैसे हैं उसको उस हिसाब से लगाओ कि अगले 10 मैचेस का हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान बना रहे। तो अगर आप ये लेकर के चलोगे तो आप कभी ड्रीम इलेवन के अंदर लॉस नहीं करोगे। आप चाहे बिगिनर हो, चाहे आप एक्सपर्ट हो, आप चाहे आज खेलो, चाहे कल खेलो, चाहे कभी भी खेलो, लेकिन अगर आप लोग ये स्ट्रेटजी लेकर के चलोगे तो भाई मेरा मानना है कि आप कभी भी ड्रीम इलेवन के अंदर लॉस में नहीं रहोगे, फैंटेसी पर लॉस पर नहीं रहोगे दोस्तों। और यही मैं आपको कहूंगा भाई कि अगर आप लोग खेल रहे हो तो आपको एक लो बजट के हिसाब से चलना होगा, ज्यादा जानकारी लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क भी उतना ज़्यादा है और आपके जितने चांसेस जितना ज़्यादा है उतने ज़्यादा लॉस करने के भी चांसेस हैं। अगर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, गलत तरीके से खेलोगे और यहाँ पर जितना ज़्यादा जानकारी लोगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ से विनिंग होगी। क्योंकि किसी भी फील्ड की बात करें, अगर जिस फील्ड में हमको नॉलेज नहीं होती उस फील्ड में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जी, इस सब के साथ होता, चाहे वो एक्सपर्ट हो चाहे वो बिगिनर हो, किसी भी चीज में अगर आप किसी भी फील्ड में हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी में क्रिकेट में हो, किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो, आप शुरू में आपको धक्के खाने पड़ेंगे, ये एक रूल है। जब तक धक्के नहीं खाओगे तब तक आपकी विनिंग, ये तब तक आप संभलोगे नहीं। धक्के खाना जिंदगी में सबसे बड़ा मतलब एक प्रकार से कहा जाए आशीर्वाद के रूप में इसको माना जाता है दोस्तों। सही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी हमारे चैनल में आने के लिए। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं मैं आप लोगों से हाईली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें, जहां पे आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी ड्रीम इलेवन से रिलेटेड, टीम से रिलेटेड और काफ़ी सारी जानकारी यहां पे आपको मिलती रहती है। धन्यवाद।